एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि किस तरह के माइक्रोबायोलॉजी में आप मॉडल्स जो हैं वो बना सकते हैं। 2D और 3D मॉडल मैं आपको दिखाने वाली हूं, कुछ आइडियाज़ आपको मिल जाए जिससे आप अपने लैब के लिए भी मॉडल्स बना सकें और जो आपके प्रोजेक्ट में मॉडल है वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो चलिए अब मैं आपको कुछ मॉडल्स यहाँ पर दिखा देती हूँ। इस तरह से आप ग्लाइकोसाइकिल का फ्लेक्सी पे 2D मॉडल बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से चार्ट की फॉर्म में आप बना सकते हैं। ये देखिए, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ट्रांसफर RNA, इस तरह के आप 2D मॉडल्स जो है बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप क्रेब साइकिल भी बना सकते हैं फ्लेक्सी पे, ठीक है। या किसी चीज़ का अगर आपको प्रोडक्शन दिखाना है तो वो भी आप दिखा सकते हैं आराम से। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह के मॉडल्स जो हैं वो इजीली आप बना सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के मॉडल्स। ये देखिए, कुछ और मॉडल के आइडियाज़ मैं आपको दे रही हूँ, जैसे कि ये अमाइनो एसिड्स दिखाए गए हैं, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, ठीक है, एस्पारजीन एंड ग्लूटामाइन। इस तरह से आप LED बल्ब्स का यूज़ करके इसको बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह के चार्ट के फॉर्म में आप बना सकते हैं मॉडल्स, या आप 2D मॉडल इस तरह में भी बना सकते हैं जिसमें आप कुछ क्रिएटिविटी अपनी दिखा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये भी प्रोडक्शन का है, फंक्शंस ऑफ माइक्रो फॉर हेल्थ मेंटेनेंस। और इसके साथ साथ बहुत इजी मॉडल जो होता है, देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ऐसे ही आप DNA की स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं 3D मॉडल की बात करूँ तो इस तरह से आप बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है वो भी बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप 3D मॉडल भी बना सकते हैं बैक्टीरिया का, ठीक है। तो इस मॉडल को आप थर्माकोल का यूज़ करके बहुत ईजिली बना सकते हैं। अपने आपके जो घर में अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उसका भी यूज़ करके आप बना सकते हैं। सिर्फ थोड़ी क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, वरना वेस्टेज से भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। और इस तरह से साइंटिस्ट के चार्ट्स भी आप बना करके अपनी जो माइक्रोबायोलॉजी लैब है उसमें लगा सकते हैं, कि साइंटिस्ट की इमेज बना करके, ठीक है, इमेज बना सकते हैं, कोई बात नहीं, वरना फिर आप एक पिक्चर लगा सकते हैं और उनके बारे में लिख सकते हैं कि उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। ब्लैक चार्ट पे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के मॉडल्स लैब के अंदर। तो ये सभी मॉडल्स जो हैं आप इजीली बना सकते हैं, 2D 3D मॉडल्स। ये देखिए, ये फ्लेक्सी पे भी बनाए गए हैं। कुछ और मॉडल्स मैं दिखा देती हूँ फ्लेक्सी के, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से आप मॉडल्स जो हैं वो बना सकते हैं और आपका जो इम्प्रेशन है वो भी बहुत अच्छा पड़ेगा जितना अच्छे से आप बना पाएंगे। तो जैसे कि आप सभी ने अभी देखे ही हैं कि 2D और 3D मॉडल्स, ठीक है, लेकिन मैं कहूँगी आपसे कि 3D मॉडल्स जो हैं सबसे बेस्ट होते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। इसकी वजह से आपकी जो इमेजिनेशन पावर है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है टॉपिक से रिलेटेड। अगर आप किसी टॉपिक को समझ गए हैं, उसको 3D फॉर्म में आप लेकर के आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से जान रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप 3D मॉडल्स को बनाने की कोशिश करें और जितना इफेक्टिवली बना पाए, जितना अच्छे से आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखा पाए, वो उतना ही अच्छा आपका मॉडल बन के तैयार हो जाएगा। सो ये थे बस कुछ मॉडल्स, कुछ आइडियाज़ दिए हैं मैंने कि आप इस तरह से 2D और 3D मॉडल्स बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक, यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।